अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने सर्च न्यूज़ आर्टिकल्स की एपीआई को कंप्लीट किया था और उसको पोस्टमैन में टेस्ट किया था। इस वीडियो में हम गेट यूज़र फीड की एपीआई को क्रिएट करेंगे बैकएंड में और उसको पोस्टमैन के साथ टेस्ट करेंगे। चलते हैं वीडियो पर। मैं यहाँ पे कोड को ओपन कर लूँगा और लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक हमने कवर किया था और इसको मैं ख़त्म कर दूँगा यहाँ से और इसे भी ख़त्म कर दूँगा। इसका काम भी ख़त्म हो गया और इससे भी ओके। एक और चीज़ हम ख़त्म इंट्रोड्यूस कर देंगे रिसोर्सेज में H1। एटलीस्ट चले हम जितना हो सकता उतना बेहतर कर लें इसको और इसको लिंक बना देते हैं। ठीक है, तो चलो कम से कम यूज़र क्लिक करके कहीं पे जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाते हैं और इसे क्लोज़ कर देते हैं और अब हमने स्टार्ट करना है यहाँ पे अपडेट यूज़र डाटा। इसमें बेसिकली यूज़र को एबिलिटी देनी है कि वो ये चीज़ें अपडेट कर सके जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आर्टिकल बेस्ड ऑन यूज़र, ऑप्शन फॉर यूज़र टू अपडेट, सोर्स, कैटेगरीज और ऑथर्स। ओके, न्यूज़, सोर्स, नल लेबल, स्ट्रिंग, न्यूज़, कैटेगरीज, ऑथर्स, या एक एक रखते हैं अपने लिए आसानी रखते हैं, कैटेगरी और ऑथर, दैट्स इट। ये तीन चीज़ें अब मुझे यहाँ पर चाहिए भी उसमें डेटाबेस में, तो वो ऐड कर लेंगे। माइग्रेशन, स्ट्रिंग, दिस दैट दिस, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली। सेव करेंगे, डीबी को मैं साथ ही रन कर दूंगा ताकि मैं उसको बाद में भूल ना जाऊँ। कोड में ऑफिस आएंगे और कुछ और करने से पहले इसके रिसोर्स में भी इस चीज़ों को ऐड कर देंगे। ये हो गया, यहाँ पे ये आ गया और इसको अपडेट कर देंगे इसके साथ। ये हो गया और होपफुली इसके साथ ही ये चीज़ अपडेट हो जानी चाहिए। यहाँ पे आएंगे, लॉगिन करेंगे, टोकन इसका यहाँ से टोकन में पकड़ूँगा,
एनवायरमेंट वेरिएबल्स में इसको सेट करूंगा। ये ब्लर करना भाई, सॉरी, यहाँ पे ऑफिस आके इसको दोबारा टोकन को कॉपी करूंगा। वो गलती से मैंने उसको वहाँ पे पेस्ट की जाए कॉपी कर लिया। और अब यहाँ पर गेट यूज़र करेंगे सेंड, ये अभी सारा नल नल है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये चीज़ों को सेट करेंगे। लेट्स से के हमने जो चीज़ें सेट की हैं, एक दो तीन सेंड और ये, और अगर मैं कुछ सेंड कर देता हूँ, लेट्स से के स्पोर्ट सेंड, तो ये अपडेट हो जानी चाहिए थी। ओह सॉरी, ये इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। इसको खत्म कर, ओके मैं यहाँ पे इसका फ्लो चेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ जेसन, सेंड। और अगर मैं समथिंग सेंड करता हूँ तो नेम खराब हो गया, ये सही नहीं हुआ। ओके यहाँ पे क्योंकि सारी नलेबल हैं तो इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे एसएन सेंड कर रहा हूँ, ओके ये सही अपडेट हो गया, इसमें मसला आ रहा है। उसके लिए मैं इसके रिसोर्स में जाऊँगा, रिसोर्स में क्या कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी, और यहाँ पे मैं सेंड क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी सेंड कर रहा हूँ। और डी बी में अगर जाऊँ तो डी बी में सेट क्या हो रहा है, डीबी में कैटेगरी वगैरह ही सेट हो रही है। लॉजिक तो यहाँ पे सही नज़र आ रहा है, ओके सेंड, ओके ये अपडेट हो ही नहीं रहा। यहाँ पे अब मैं बेसिकली इसकी वैल्यू को डायरेक्ट अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन ये इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा। अगर मैं इसको अंडरस्कोर कैटेगरी कहता हूँ तो वही कर लूँ, यहाँ पे ये इस चीज़ को कंसिडर कर ही नहीं रहा। ओके जैसे यहाँ पे ओके, एक तो आप ही सक्सेस का रिस्पॉन्स रहा है,
ये तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये ठीक है, ये नहीं सही। इसमें कुछ मसला है, बैकएंड कोड को दोबारा एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें, क्योंकि कोड लॉजिक तो बहुत ही सिंपल सा है, तो उसमें ऐसा कुछ मसला नहीं होना चाहिए। बाकी वैल्यूज़ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो नहीं चाह रहे, ठीक है। यहाँ पर आके माइग्रेशन में मैं ये नल लेवल ख़त्म कर रहा हूँ, लॉगिन इसके कोड को सेट करते हैं। लारावेल ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे समझ लग गई। बेसिकली ये सॉरी, मैं क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई लास्ट टाइम, इसमें ये फिल लेबल की वजह से हो रहा है। यहाँ पे आप बताते हैं कि कौन सी चीज़ चेंजेबल है और कौन सी नहीं है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो चीज़ सेट नहीं की जा सकती, तो सॉरी इसके लिए। मुझे लिटरली काफ़ी देर हो गई है इसमें लारावेल में काम किए हुए, तो इस वजह से ये मेरे जहन से निकल गई चीज़। ओके, और अब हम इसको वापस नल लेवल कर सकते हैं, क्योंकि वो कोड सही था। और आप जब इसे सेट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये सेट भी हो रहा है। ओके, और अगर कुछ पास नहीं किया जाएगा, लेट से के सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पास करते हैं वन के साथ, या कुछ भी पास नहीं करते तो ठीक रहेगा, और अगर हम 12 पास कर देते हैं तो वो अपडेट हो जाएगा। तो सॉरी इसके लिए, ये ज़रा देरी की वजह से मेरे जहन से निकल गया। इसका एक अल्टरनेटिव वे होता है, अगर आप बार बार इससे मीन ये इससे बचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड गार्डेड एम टी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, फिलेबल ही ठीक है, लेकिन फिर इसको याद रखना पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये वाला काम हो गया और ये चीज़ चल रही है। इसको मैं एक दफ़ा फिर रन कर दूँगा, क्योंकि वो मैंने अपडेट किया, तो दैट्स बेटर। लॉगिन एक दफ़ा फिर कॉल कर लेंगे और टेस्ट कर लेंगे कि ये सही चाह रहा है। ये लॉग इन, और क्या मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकता हूँ? नहीं, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आएंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे, अपडेट, और ये आपके सामने सही हो गया। और अगर मैं सिर्फ सिर्फ ऑथर करता हूँ, ये सही हो गया। और अगर मैं सिर्फ सिर्फ कैटेगरी करता हूँ तो ये भी सही होगा। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारी कोई रिक्वायरमेंट रह गई है। बेसिकली नेक्स्ट, अब हमने यूज़र फीड की एपीआई बनानी है और उसमें हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बैकएंड में वापस आ जाएंगे और यूआरएल वगैरह हमने पहले ही बनाया होगा,
ये हमारे पास, यहाँ पे बस हमने करना है कि भी ऐड करनी है गेट यूज़र फीड, और उसमें हमारे पास बैकएंड एपीआई और गेट यूज़र फीड, और इसमें सेंड, और यहाँ पे बेसिकली हेडर्स में एक्सेप्ट एप्लीकेशन जैसा कंटेंट टाइप, सॉरी एप्लीकेशन जैसा, सेव, ये नॉट फाउंड कह रहा है। यहाँ पे आते हैं राउट्स में, देख लेते हैं कौन सा राउट है। गेट न्यूज फीड और सेंड, सक्सेस का रिस्पॉन्स आ गया। आप इसका एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा न्यूज़ में और इसको रहने देंगे एज इट इज़। यहाँ पर अब मेनली ये सारा काम, ऑलमोस्ट ये सारा काम इस तरह ही होगा। इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और क्यूरी नहीं होगी, स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं हो गई। हम सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल्स को फैच करेंगे और सेंड कर देंगे, और कीवर्ड नहीं होगा कुछ भी। कैटेगरी वो हम यूज़र में से निकाल लेंगे, और इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट यूज़र रिक्वेस्ट यूज़र न्यूज सोर्स यूज़र न्यूज सोर्स और इसको ये कर देंगे। ओके, न्यू सोर्स जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कैटेगरी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऑथर है उसको मैं अभी बाद में देखता हूँ कि ऑथर कहाँ पे हम कर सकते हैं। ऑथर को मैं कीवर्ड में मेंशन कर रहा हूँ अभी के लिए। ऑथर ये ऑथर यू आर आई
Author. ओके इसी के साथ एक दफ़ा इसको फैच इसको दोबारा फैच करके देख लेते हैं सेंड, ताकि कंफर्म कर लें कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा इसको करके देख लेते हैं और ये कंफर्म कर लेते हैं। एक मिनट बस। अच्छा ये कंफर्म कर लेते हैं कि न्यूज़ फीड में काम सारा ठीक है। न्यूज़ फीड को हिट करते हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके डन हो गया। एक चीज़ जो मैं चेंज करने लगा हूँ वो ये है कि अभी के लिए ये न्यूयॉर्क टाइम में से मैं मल्टीमीडिया को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। फैच करते हैं। ओके न्यूज़ फ्रॉम एपीओजी ने एरर दे दिया, इसमें ट्राई करते हैं। इसमें ये सही है। अच्छा जी यहाँ पे न्यूज़ गार्डन न्यूज़ वॉल्जी सोर्स, इसको मैं ये सोर्स पार्स कह रहा हूँ। ओके यहाँ पे भी नल, ये चीज़ मैं नल कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम ये आना चाहिए। ठीक है आर्टिकल ज़ीरो आए वो ओके, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए। तो सेंड करते हैं। और अभी भी यही है।
ओके, मेरे ख्याल से ये समझ लग गई है। वो जैसे जो लास्ट टाइम हमें एरर आ रहा था कि क्यू जब पास नहीं थे कर रहे, तो तब ये मसला कर रही थी इसमें, इसीलिए मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो एल्स करके इसमें एटलीस्ट जो है एल्स करें, उसके बाद यूजर ऑथ यूजर और क्यूरी इक्वल टू दिस डॉट स्पेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ इसमें जाता है। ओके, न्यूज ताकि कुछ एटलीस्ट इसमें हो जाए क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। सेंड और एटलीस्ट चले वो हमारा जो था वो सही है। और ये कह रहे प्रैक्टिकल जीरो, ये था इसमें क्यू जो है चलो कम से कम कुछ तो आया, न्यूज़ ही आई होंगी या जो भी है। खैर इसी के साथ ये फीड की एपी भी हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अब हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे और इसका फ्रंट एंड बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इस एपीआई को कॉल करेंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, इस सीरीज़ को सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ का अलर्ट आपको मिलता रहे और आप इसी तरह अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.